जिले भर में इन दिनों बोर्ड परीक्षाओं के दौर जारी है। पिछले 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से स्कूलों में ऑफलाइन परीक्षाएं आयोजित की जा रही। उन सहित आसपास के अंचल में इन दिनों प्राथमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही है। हम आपको बता दें कि पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में ऑफलाइन परीक्षा नहीं हो सकी थी, जिससे छात्र थोड़े डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों के मनोबल को बढ़ाने के प्रयासों के साथ पूरे कोरोना प्रोटोकॉल में परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए उन सेंटर से 10वीं कक्षा के लिए 235 विद्यार्थियों के साथ 12वीं कक्षा के 94 विद्यार्थी शामिल हैं। वहीं रायबीरपुरा सेंटर पर 10वीं कक्षा के 124 छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं। उनसे दिनेश दसौंधी की रिपोर्ट। 10वीं 12वीं के एग्जाम चल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना? 10वीं 12वीं की माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं संचालित हो रही है, कोरोना गाइडलाइन के अनुसार ही संचालित हो रही है। पूरी तरह से बच्चे मास्क लगाए हुए हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और मेडिकल टीम भी सेंटर पर उपलब्ध रहती है। समय आने पर या ज़रूरत पड़ने पर मेडिकल की टीम उपलब्ध है। कितने बच्चे सर अभी उपस्थिति में? 10वीं में 124 दर्ज है, उसमें से एक अनुपस्थित होकर 123 दर्ज है और 12वीं में 75 पूरी तरह से सभी बच्चे। तो सर, जिस तरह से कोरोना काल में 2 वर्ष से एग्ज़ाम नहीं हुआ, एग्ज़ाम में बच्चों में भी उसका उत्साह देखने को मिल रहा होगा? बच्चों में उत्साह है, उत्साह क्रिएट करने के लिए हम उनका आते समय उनका स्वागत करते हैं, चेकिंग की जाती है और उनको समझाइश दी जाती है कि आसानी से बिना डरे पेपर सॉल्व करें और आशा है कि अच्छे नंबर आएंगे उनके बच्चों के। क्या सुनाम लिखते सर? श्री महेश भटानिया। क्या आप यहाँ स्कूल में? उच्च माध्यमिक शिक्षा और सहायक केंद्र अध्यक्ष के। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।